हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज हम अपने क्विक गाइड में बात करने वाले हैं क्विलिंग के बारे में। क्विलिंग एक असैसिन वॉरियर टाइटन है और ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है और सोलो गेम प्ले में भाई ये लिटरली लिट हीरो है, आग लगा देगा अगर इसको तुम अच्छे से समझ गए। ये कुछ कुछ इसके डिटेल्स है, कैसे कैसे से खेलते हैं, मैं इसका आपको पूरा समझाऊंगा अभी कैसे इसका स्किल्स वगैरह यूज़ करते हैं, क्या डैमेज देते हैं। ये इसका बेल्ट होता है क्योंकि ये असैसिन हम लोग तो ऑब्वियसली जंगल आइटम लोग पहले लेंगे। दूसरा हम लोग एक स्प्रिंट बूट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हाई मोबिलिटी चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से दौड़ता है, इनविजिबल वगैरह हो जाता है गेम प्ले के अंदर, तो वो इसका थोड़ा सा इसको एडवांटेज चाहिए उस चीज़ के लिए। और इसका एनहांसमेंट वगैरह कुछ ये इस टाइप से रहेगा। इन्हांसमेंट में तुम लोग देख लो, मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट इन्हांसमेंट में जो कि मैंने खुद से ही बनाया। तो चलो अब थोड़ा हम बात करते हैं इसका गेम प्लेज और कैसे कैसे इसका एडवांटेज है। एडवांटेज ये है गाइस कि ये गायब हो जाता है, सबसे पहला एडवांटेज तो यही है। सेकेंड एडवांटेज है कि ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है, और सोलो गेम प्ले में अगर कोई भी हीरो अगर अकेले से फाइट करने आ रहा हो ये अपने ये हिडन मोड में, तो ये किसी भी हीरो को एक बार में मार सकता है, मतलब उसको उस हीरो को चांस ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जब ये डैमेज देता है तो उसका जो भी आर्मर वगैरह अगर कोई भी टाइटन्स बना के रखे वो काम ही नहीं करता है। और इसका थर्ड स्किल जो है कि अगर तुम किसी भी हीरो को किल करोगे तो इसका जो थर्ड स्किल है वो वापस से रीसेट हो जाएगा, तुरंत रीसेट हो जाएगा वो, और तुम वापस से इनविजिबल होकर सेकेंड टारगेट की ओर बढ़ सकते हो। इसका ये सारा तो एडवांटेज हो गया। इसका कॉम्बो थोड़ा समझते, थर्ड स्किल यूज़ करो तुम गायब हो जाओगे, फिर थोड़ा फर्स्ट सेकेंड स्किल का यूज़ करके एनिमी क्लोज और थर्ड स्किल से एनिमी को फिर से फिनिश और फिर से थर्ड स्किल करके गायब हो जाओ। चलो थोड़ा इसका डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। अर्ली गेम में क्योंकि हीरो का एचपी जो है बहुत ही ज़्यादा लो होता है, तो अर्ली गेम में एचपी के कारण तुम मर सकते हो, तो थोड़ा अर्ली गेम केयरफुल करके खेलना पड़ेगा। और हाई सीसी और जो जैसे कुछ हीरो का ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो एचपी कंटेन करते, जैसे टैंक वगैरह हो गया, ज़्यादा देर तक फाइट ये नहीं ले सकता, मतलब क्विक फाइट लेके निकलने वाला हीरो है। हीरो के साथ बेस्ट कंपोनेंट हीरो और जो सिनर्जीज वगैरह जो भी बेस्ट रहेंगे, तो तुम इसका कॉम्बो वगैरह जो उसके साथ बेस्ट मैच करे तो तुम एक टैंक पिक कर लो, टैंक पिक कर लो, हाई सीसी हीरो पिक कर लो, मेज जैसे लुम्बर वगैरह टैंक हो गया और मेज वगैरह हो गया, तुम्हारा इलुमिया और बाकी सारे टूलिन वगैरह जो कि हाई डैमेज दे दे, ताकि तुम पीछे से आगे बैक दे के उसको किसी भी एनिमी को फिनिश कर दो। इसका कुछ कुछ काउंटर पिक्स भी है, जैसे कि जो हीरो इसको पकड़ ले या तो शंट दे दे या तो फिर गैंकिंग करके इसको बहुत इजी करके काउंटर किया जा सकता है। अगर ये और गैंक वगैरह और इसे पकड़ के इसको इंगेज करके इसको बहुत इजीली किल भी किया जा सकता है, क्योंकि इसका इनविजिबिलिटी कुछ टाइम लिमिट तक रहता है।